बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फाइव की उर्दू का तीसरा चैप्टर मेजर अकरम शहीद पढ़ेंगे, जो निशान हैदर पाने वाले उन चंद फ़ौजियों में से हैं जिन्हें निशान हैदर का एज़ाज़ हासिल हुआ। इससे पहले के स्पेल में हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग की थी और मेजर अकरम शहीद की ज़िंदगी का कुछ अहवाल पढ़ा था, तो चले वहीं से ही चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी का ऐसा मुजाहरा करें जो रहती दुनिया तक याद रहे। हम्माद, हमारे कितने फ़ौजियों को अब तक ये एज़ाज़ मिल चुका है। उस्ताद भाई, हमारी पाक फ़ौज के 10 अफसर और जवान अब तक ये एज़ाज़ हासिल कर चुके हैं, जिनमें मेजर मोहम्मद तुफैल, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, कैप्टन मोहम्मद सरवर, लांस नायक मोहम्मद महफूज, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर शब्बीर शरीफ, राशिद मिनहास, कैप्टन कर्नल शेर खान, सूबेदार लालक जान और तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मेजर मोहम्मद अकरम शहीद शामिल हैं। अहमद, हमें मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की बहादुरी के बारे में कुछ बताएं। उस्ताद, बेटा ये बहादुर आदमी गुजरात के करीब दंगा में 1938 में पैदा हुए। मेजर अकरम ने इब्तदाई तालीम दंगा में ही हासिल की। 9वीं जमात पास करके आप पाक फ़ौज में बतौर सिपाही भर्ती हो गए और बहुत जल्द ही पाक फ़ौज का खुसूसी इम्तिहान पास करके लांस नायक बन गए। 1961 में आप फ़ौज में कमीशन के लिए मुंतखब हुए और मिलिट्री एकेडमी काकुल से तरबियत पाकर कैडेट सार्जेंट बना दिए गए। बाद में आपको साबका मशरक़ी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, में तैनात कर दिया गया। इस दौरान 1963 में आपने कमीशन पास किया और आगे चलकर 1965 में कैप्टन बने। आपकी रेजिमेंट 4FF कहलाती थी। हमीद, 4FF से क्या मुराद है? उस्ताद, बेटा इससे मुराद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, जो पाक फ़ौज का एक हिस्सा है। मेजर अकरम कुछ अरसा पाक फ़ौज के एक और हिस्से पाकिस्तान राइफल्स में भी रहे। 1970 में फिर आपको मेजर के ओहदे पर तरक्की मिली। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो आपको मशरक़ी पाकिस्तान में एक अहम फ़ौजी चौकी दिनाजपुर सेक्टर की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। 13 दिसंबर को भारत ने एक बड़े फ़ौजी दस्ते और टैंकों की मदद से इस चौकी पर हमला कर दिया। इस मौके पर दुश्मन तादाद में बहुत ज़्यादा थे, जबकि मेजर अकरम के पास सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी। ऐसे में उन्होंने नहायत बहादुरी और अक्लमंदी से काम लेते हुए जवाबी फायरिंग करने के बजाय मुकाबले का सिलसिला रोक दिया और इस बात का इंतज़ार करने का हुक्म दिया कि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा करीब आने दिया जाए। जब उन्होंने देखा कि अब दुश्मन अपनी फतह के नशे में बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो आप अपने मुख्तसर से दस्ते के साथ भारतीय फ़ौज पर टूट पड़े, जिसका नतीजा ये हुआ दुश्मन का पूरा लश्कर मारा गया। और इसी दौरान इस बहादुर जवान मेजर अकरम को भी शहादत नसीब हुई। मेजर अकरम को इस बहादुरी के बेमिसाल मुजाहरे पर पाक फ़ौज की तरफ से निशान हैदर अता हुआ। फैसल, शुक्रिया जनाब, आपने हमें इस बहादुर जवान की कहानी सुनाई। उस्ताद, आए हम सब मिलकर इस बहादुर फौजी जवान को सलाम करते हैं। तमाम बच्चे खड़े होकर उस्ताद साहब के साथ तस्वीर को सल्यूट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के बारे में पढ़ा, उनकी ज़िंदगी के अहवाल, उनकी फ़ौज में आने और उनके बाद उनकी तरक्की का तमाम अहवाल हमने पढ़ा, फिर उनकी जंग लड़ने का भी हमने इसमें अहवाल पढ़ा। आई होप आप सब ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा और इन्जॉय भी किया होगा।
अब चैप्टर के मुश्किल अल्फाज, जो इस चैप्टर में मुश्किल अल्फाज थे उसकी तरफ चलते हैं। नंबर वन, सूबेदार, भर्ती, दंगा, काकुल, तैनात, रेजिमेंट, राइफल्स, दिनाजपुर, चौकी, दस्ते। ये तमाम मुश्किल अल्फाज आपने अपनी कॉपी में खुशखत अंदाज में लिखने हैं। उसके बाद आपने अगले पेज पर अल्फाज और मायनी उसी अल्फाज मायनी के साथ ऐड करने हैं जो इससे पहले के स्पेल में मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ। सल्यूट, फौजी सलाम, तैनात, मुकर्रर, शिकस्त, हरा देना, एजाज, इज्जत का निशान। क्वेश्चन नंबर वन में आप लोगों को पहले के स्पेल में भेज चुकी हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, निशाने हैदर पाने वाले फौजियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, दुश्मन को मेजर अकरम ने किस तरह शिकस्त दी। ये दोनों सवाल आप लोग के समर वेकेशन की प्लानर में है, आप लोग उससे देख के कर लीजिएगा। जुमले इससे पहले के स्पेल में भी मैं आप लोग को भेज चुकी हूँ, उसी में मज़ीद एडिशन आप लोग कीजिएगा। लश्कर, शहादत, फतह, और अब बुक वर्क है ये आप लोग के पास। सवाल नंबर छः, पेज नंबर 19 पे आप देखिएगा, दर्ज ज़ेल जुमलों में जिन अल्फाज के नीचे लकीर लगी है उनके मुतजाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें, यह आपने बुक वर्क करना है। ठीक है, आप तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसके साथ हमारे पेज अलसहर सेकेंडरी स्कूल को यूट्यूब पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।